मार्केट मंत्रा ब्रॉट टू यू बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se judi hui taza khabron ko lekar hazir hain. हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन. पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. धन्यवाद मनोज. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी. डोमेस्टिक बेंचमार्क स्टॉक्स लॉग मार्जिनल गेन. सेंसेक्स फिनिशेस एट 43,443. निफ्टी क्लोजेस एट 12,720. गोल्ड अप्रिशिएट्स बाय 241 रुपीस पर 10 ग्राम्स इन द दिल्ली बुलियन मार्केट, सपोर्टेड बाय फेस्टिवल बाइंग. And Asian share trade mixed amid hopes of coronavirus vaccine and resurgence of COVID-19 cases. घरेलू शेयर बाजार में आज फिर लिवाली, लेकिन मामूली बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक. सेंसेक्स 43,443 पर बंद हुआ. निफ्टी 12,720 हुआ दर्ज. दिल्ली सर्राफा बाजार में त्योहारी खरीद से सोने का मूल्य 241 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा. और दुनिया में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच टीका आने की संभावना से एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा. कल की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में आज फिर से लिवाली तेज रही, हालांकि प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिलाजुला रुख दिखा, जिसका असर घरेलू बाजार पर आज पड़ा है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 86 अंक यानी 0.2% की बढ़त लेकर 43,443 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 29 अंक यानी 0.23% की बढ़त लेकर 12,720 दर्ज हुआ. छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में लिवाली आज भी तेज रही है. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.86% ऊपर उठकर बंद हुआ. स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.12% की वृद्धि हुई. डोमेस्टिक बेंचमार्क स्टॉक्स टुडे लॉग मार्जिनल गेन्स अमिड मिक्स ग्लोबल क्यूज. द बीएसई 30 शेयर इंडेक्स सेंसेक्स रोज 86 पॉइंट्स 0.2% टू सेटल एट 43,443. द एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स ऑल्सो एडेड 29 पॉइंट्स 0.23% टू सेटल एट 12,720. द ब्रॉडर मार्केट एट द बीएसई ऑल्सो सर्ज्ड, outperforming the Sensex. The BSE mid cap index climbed 0.86% and the BSE small cap index zoomed 1.12%. In the Sensex pack, a share of 17 companies climbed while 13 logged losses. Bajaj Financial Services Limited was the top gainer as it climbed 3.3%, followed by Tata Steel, which gained 2.8%. ICICI Bank surged 1.9% and Axis Bank rose 1.8%. On the other side, Larsen and Toubro lost 2%, HDFC and HDFC Bank both fell around 1%, and Bharti Airtel declined 0.8%. In sectoral indices, 14 out of 19 sectors appreciated. In gainer, shares of the metal sector gained 1.9% and realty rose 1.4%. Healthcare and basic materials also rose more than 1%. On the other hand, capital goods and telecom both fell by 0.3%. The overall breadth of the BSE trade was positive as 1,599 shares climbed, 1,063 shares declined, and 194 shares remained unchanged. Puneet, a warm welcome to you in Market Mantra once again. I hope you can hear us. Thank you, Arjun. Puneet, the story starts with saying that there are mixed global cues, and more importantly, what has been the investment participation in the stock market today, both the NSE and the BSE, and provisional data is once again suggesting that FII activity has been on the positive note today with 1,935.92 crore rupees of net buying today. But we are seeing net selling on the part of DIIs
almost 2,500 crore rupees. Why is that the case? Are mutual funds still on that redemption pressure? So a couple of points to really focus on here. One is what is the global environment for equities? I think after the fact that the markets have really gone up in a hurry over the last 1 month, there is on a global scale across the world, we see some kind of a consolidation, profit booking, and some kind of rotation of money from momentum stocks to value stocks. So that is why in the U.S., if you see, we've seen the NASDAQ pull back a little bit. It has come down a little bit over the last few days, while the Dow Jones Industrial Average Index, which is more industrials and manufacturing companies, that the Dow Jones has gone up over this time. So clearly, I think investors have been booking profits where they have huge profits, which is primarily in technology stocks, and they have rotated that money into industrials and into more economic-driven stocks. That also brings me to the point that if you look at the sentiment across the globe, now the belief is that while, of course, the number of cases in corona virus are surging even now, but people expect that this will be a short-lived phenomena because there are vaccines on the horizon. We will probably be out of this pandemic in the next 3 to 4 months, the peak of this pandemic. So there is hope for economic revival and for expectations that economies will return to their previous growth trajectory. That is the global environment. Now, within that, I think if you look at India, the numbers here are already, economic numbers here are looking very good. In the last few weeks, we have spoken about indicators such as consumption of electricity and other high frequency indicators. I think that story continues. We continue to see a very good and impressive improvement in economic numbers, whether it is GST collections or it is we're looking at consumption of electricity or other core industries. We find that economic activity is picking up across the country. And I think very soon we should be able to see a return to positive economic growth. With that perspective, I think Indian markets are moving higher. Of course, there will be some profit booking. In fact, if you raise the issue about mutual funds selling. Mutual funds have seen a lot of profit booking by people who entered the markets in the last 6 months. I think that is good because if there's profit booking, we expect that money to come back to the market later on. So I think overall the sentiment is very positive, and on the economic front as well as on the financial front, and we should continue to see things improving in the next 5 to 6 months. Puneet, यदि हम पिछले 10 सत्रों के कारोबार को देखें तो कल गिरावट और उसके अलावा पिछले 8 सत्र में लगातार लिवाली का सिलसिला चला, आज फिर लिवाली है. आज और कल के यदि आंकड़ों को देखा जाए तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन कल जब गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी पैक में थी उसके बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़त हम देख रहे थे, और आज भी स्मॉल कैप और मिड कैप का प्रदर्शन सेंसेक्स निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर है. क्या दर्शा रहा है कि जो विस्तृत बाजार है, वृहत बाजार है, वहां निवेशकर्ता हैं, उनकी दिलचस्पी है, या यहां भी सिलेक्टिव बाइंग चल रही है? देखिए मनोज, जो अभी हमने इंडेक्स पे बहुत तेजी देखी पिछले 1.5 महीने में, उससे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वो काफी उनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है, और उसके मुकाबले जिसे हम कहते हैं वैल्यू, जो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स है वहां पर वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो गई है. तो मुझे लगता है कि जो हम प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं बड़े शेयर्स में, चाहे इंडेक्स के शेयर्स की बात करें या म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन की बात करें, तो मुझे लगता है कि वहां पर कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग होकर वो पैसा रोटेट होकर वापस स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, जहां पर हम वैल्यूएशन इफेक्टिव हैं. दूसरा मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि ये हमने कई बार देखा है, ये कई इकोनॉमिक साइकिल्स में हमने देखा है कि जब भी इकोनॉमी इंप्रूव करती है, यानी इकोनॉमिक साइकिल टर्न करती है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ बेहतर होती है इकोनॉमी, तो उसका ज्यादा फायदा जो है वो छोटी और मझोली कंपनियों को मिलता है. यानी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में एक डिस्प्रोपोर्शनेट गेन आता है जब भी हमने इकोनॉमिक साइकिल को टर्न होते देखा है. मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे इकोनॉमिक नंबर्स इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हम ज्यादा गेन्स भी देखेंगे और ज्यादा इंटरेस्ट भी देखेंगे इन्वेस्टर्स का. वेल, वी हेडिंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन मार्केट मंत्रा. बड़े भैया,
इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे तो जेब बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We were discussing about market performance with our expert, Shri Puneet Jain. Puneet, just coming back to the discussion on stock market performance today, we are seeing once again that the metal sector has gone up by 1.9%. Is there short covering in this particular sector? And the other company, which is stated to be making a great deal of noise ahead of Muhurat trading tomorrow, is Reliance Industries. So how do you see one sector and a Sensex heavy stock like RIL? So as far as metals are concerned, I think the numbers across the world are extremely good. And even if you look at the financial numbers for the quarter ending September, companies like Steel for even they have come out with huge profits, about 400, 500 crore profit. And all steel companies have reported extremely good performance for the September quarter. And the guidance has been that the steel prices and demand is likely to go up further in coming months. So clearly, I think metals as a sector has been doing well. And my belief is that whenever economy turns around, like we've been discussing, we find the commodities doing much better. So not only metals, you will find almost all commodities report better numbers, and the companies, their companies will definitely gain in share price. For Reliance Industries, if you look at the September numbers, we found that the retail business and the telecom business did very well, but the oil business was really taking a hit because of the falling consumption and falling margins. The latest numbers that we have got now, because diesel sales have now become positive, have turned positive from a year ago period, it shows that the oil consumption is also back to pre-COVID levels, and that might give a push to this segment of business for RIL, which was lagging. So analysts are expecting that the December quarter numbers for Reliance, which is the largest weight in the Nifty and the Sensex, those December quarter numbers will also be much better because of the oil business. And I think that is why we see across the board interest in these companies. पुनीत, हम आपका ध्यान ऑटो सेक्टर की ओर ले चलना चाहेंगे। ऑटो सेक्टर में एक ओर जहां निर्माता कंपनियां हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि उत्पादन के हमारे आंकड़े बढ़े हैं, और जो खुदरा विक्रेता हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि मासिक आधार पर वह बिक्री नहीं हो पा रही है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे त्योहारी सीजन के बावजूद। ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी आंकड़े क्या दर्शा रहे? मनोज जी, देखिए, जब हम ऑटोमोबाइल सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो दो लेवल पर रिकॉर्ड होती है। एक जिसे हम होलसेल सेल्स कहते हैं, जो कंपनियां अपने डीलर्स को सेल करती हैं, और फिर डीलर्स जो अपनी इन्वेंट्री में वो माल रखते हैं और वो आगे से रिटेल सेल करते हैं। तो ये बात सही है कि रिटेल सेल्स में भी हम उतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम इन्वेंट्री बिल्डअप यानी जो डीलर्स के जो होलसेल सेल्स हैं वहां पर काफी बिल्डअप हो रहा है। लेकिन मैं बता सकता हूँ जो महत्वपूर्ण नंबर है वो होलसेल नंबर्स होते हैं, क्योंकि वो एक फ्यूचर ट्रेंड को देख करके उसके बेसिस पे वो सेल्स की जाती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ज्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहे हैं डीलर लेवल पर, उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी सेल्स पिकअप करेंगी। तो इसलिए हालांकि मैं चाहूंगा कि रिटेल सेल्स के डेटा भी बहुत अच्छा रहे और आगे बढ़े, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हम इम्प्रूवमेंट जल्दी ही देखेंगे, और कोई मायूसी का यहां पर कोई बहुत ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है ऑटोमोबाइल सेल्स। पुनीत, बोथ रियल्टी एंड ऑटो विच हैव डन क्वाइट वेल इन द मार्केट्स टुडे एंड इन द डेज बिफोर रिलाय ऑन financing on the part of banks. And if you look at the bank Nifty, it opened almost 500 points down in the opening hour of trade, and then it picked up and then went up by 187 points at the end of day's trade. So what's the latest on the bank Nifty? Is it PSU banking or private banking that's really leading to this volatility and picking the market up?
So I think mostly Bank Nifty is dominated by private sector banks, and therefore most of the moves that we see up and down are mostly driven by a handful of private banks like ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, IndusInd Bank. There's 4 or 5 banks that really dominate the Nifty. However, I must say that financials as a sector, they were doing quite poorly until about a few weeks back. Because while the sectors like pharmaceuticals, IT, oil, automobiles, every other sector was of the economy was doing much better, and numbers were better, and stocks were doing better, we found that banking sector shares were lagging behind because expectations were there that there will be large number of NPAs in the banking, and banks will have to bear with that higher provisioning cost. However, I think in the last 2-3 weeks, as the economy has improved, the fear that NPA numbers will go up substantially, I think that fear has receded. And we suddenly saw the financial numbers, the banking stocks, they go up very sharply. They went up by almost like 20-25% in the last few weeks. So I think banking shares have responded to that expectation of better economic numbers, lower NPAs. Of course, the gains so far have been largely in the private sector banks. There we have seen most of the banks, many banks like Kotak Bank and HDFC Bank, they go back to close to their 52-week high levels. But I'm sure other banks will also catch up. And PSU banking space, of course, is extremely attractive valuation-wise because the banks have given very good numbers, but the stocks haven't gone up yet. So my expectation is that PSU banking space, which has been lagging for some time, that will also pick up in days to come, and value buyers will probably come to PSU banking space also. पुनीत, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा कल हुई है. कुल मिलाकर बाजार पर और देश की अर्थव्यवस्था पर किन क्षेत्रों में विशेष रूप से आप इसका सकारात्मक प्रभाव होता आकलन कर रहे हैं? मनोज जी, देखिए, हालांकि उसके अंदर कई आत्मनिर्भर भारत 3.0 में कई स्टेप्स लिए गए हैं और काफी पॉजिटिव स्टेप्स हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एनकरेज करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को, लेकिन जो खास इस पे जो मेरे ख्याल से जो फोकस रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर है. जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की हमने बात करी है 10 सेक्टर्स के लिए, जिसमें ऑटोमोबाइल्स भी हैं, ऑटोमोबाइल कॉम्पोनेंट्स भी हैं, इन सबको इंक्लूड किया गया है और करीब 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का इंसेंटिव दिया है प्रोडक्शन लिंक. यानी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वहां पर तो आपको उसका कई सूरत में आपको बेनिफिट मिलेगा, टैक्स इंसेंटिव मिलेंगे, रिबेट्स मिलेंगे, तो उसका आपको फायदा होगा और उससे कॉम्पिटेटिव जो इंडियन इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव होगी. तो मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फोकस है सरकार का वो उसको और दृढ़ता मिली है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही इम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. देखिए, जॉब्स कहां से आएंगी? हम सर्विसेज सेक्टर से आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से आ सकती है. सर्विसेज को हम एक लेवल तक ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो पिछड़ा हुआ है हमारे देश में, अगर उसको हम पुश करते हैं तो वहां पर जॉब्स क्रिएशन बहुत हो सकती है. मुझे लगता है पूरा फोकस जो है गवर्नमेंट का वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है. Puneet, how concerned you are about volatility in the market? The VIX in fact fell by 4% today. It's below the 20 mark. What is that telling you about not only trading tomorrow, but for next week as well? Arjun, interestingly, tomorrow is a Saturday. However, we still have 1 hour of stock trading tomorrow, which is called Muhurat trading, because on the evening of Diwali day, there is 1 hour of trading, which is the beginning of the new Sambat year. Actually, our listeners would appreciate that this is the end of the last Sambat, which is the Hindi calendar year, and the beginning of a new year as far as Hindi calendar is concerned from tomorrow. So tomorrow is what is called a Muhurat trading, and there will be some trading tomorrow in the markets for about 1 hour in the evening. The fact is that markets, I think, are poised to see a very good and positive next year. Last 1 year, we have seen extreme volatility in this market. Markets went down by 40-45% at one point of time. But year to year, if I compare this Sambat with the last beginning of this Sambat year, then markets have gone up by approximately 10%. My belief is that the next 1 year, until the next Sambat begins, we will probably see the markets go up much more. And not only will the index go up, my expectation is that it will be a broad-based rally, and we will see
very large number of mid-cap and small-cap stocks, where most of the retail investors are invested, they will also go up. So I think we're going to see a very good, happy next 1 year for the markets. That is my expectation. Well, we're heading for another short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाने। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 5 पैसे मजबूत हुआ है, 74.60 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.1% कमजोर होकर 92.87 पर आ गया। पुनीत, रुपए की स्थिति पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। रुपया किस दिशा में अब जाता दिख रहा और खासतौर से हमारे निर्यात के लिए यह क्या दर्शा रहा? मनोज जी, देखिए फंडामेंटली यदि हम बात करें तो रुपए की स्थिति काफी मजबूत है और रुपए में यहां से हो सकता है थोड़ी एप्रिसिएशन या स्ट्रेंथ रहे, क्योंकि जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार है वो 360 बिलियन डॉलर से ऊपर है, तो हमें कोई मुद्रा की कोई कमी नहीं है, विदेशी मुद्रा की डॉलर की कोई शॉर्टेज नहीं है और कोई प्रेशर नहीं है रुपए के ऊपर विजावी द एक्सचेंज रेट। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि वो रुपए को और डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल रेंज पे, एक बहुत ही नैरो रेंज में रखे, जिससे कि जो इम्पोर्टर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं हमारे देश के उनको सुविधा रहे। अगर करेंसी बहुत फ्लक्चुएट होती है तो आपके लिए फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट या कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट क्या होगी आपकी, तो इसको इसलिए आरबीआई की एक पॉलिसी है कि वो उसको स्टेबल रखना चाहते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि आने वाले काफी समय तक, काफी लंबे अरसे तक, शायद 1-2-3 वर्षों तक हम रुपए को देखेंगे वो बहुत ही नैरो रेंज में, अराउंड 74-75 प्लस माइनस 1-2 रुपीज शायद वो वहां स्टेबल रहेगा और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उनमें और बढ़ोतरी होगी, तो रुपए की फंडामेंटल स्थिति जो है वो काफी मजबूत रहेगी। पुनीत, फंडामेंटली इम्पोर्टर्स एंड बैंक्स हैव बीन डिमांडिंग फॉर द यूएस करेंसी, वाई वेरी ब्रीफली एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस व्हेन यू गेज इट अगेंस्ट द डॉलर इंडेक्स व्हिच वाज ओनली डाउन बाय 0.15% टू 92.82 in the middle of the election season in the US where the presidency is still at stake? Very briefly. So basically dollar is very sensitive to US politics. So when the election uncertainty was there and elections were going on, the dollar has weakened somewhat. And typically when Democrats are in White House, when there's a Democratic president in America, the dollar weakens. That has been the tradition because of the policies that they follow. So my belief is that the US dollar will remain weak, somewhat weak. It may not weaken a lot, but my own sense is that given the general direction, we'll see a weaker dollar going forward, and which may give some strength to emerging market currencies like India. It is also good for investments into emerging markets because a weaker dollar means money flows out of US and it goes into emerging markets. So India could stand to benefit, and we could be benefited in some ways. We may be hurt to some extent in a way in exports because it is the competitiveness goes down a little bit. But I think overall it is good for the country. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजारों पर, जहां मिलाजुला रुख आज देखने को मिला है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 0.7% लाभ में रहा। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स और हांगकांग का हेंगसेंग बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% नीचे आ गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.9% की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां भी मिलाजुला रुख बना हुआ था। एक और अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का फुटसी 100 0.5% नीचे चल रहा था, वहीं फ्रांस के कैक 40 में 0.3% की बढ़त बनी हुई थी। उधर जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बना हुआ था।
Moving on to the U.S. market, Wall Street declined yesterday as U.S. coronavirus infection surged and investors weighed the timeline for the mass rollout of an effective vaccine. New York became the latest state to introduce stricter social distancing rules on Wednesday as new infections in the country surged above 100,000 for an eighth consecutive day. The Dow Jones Industrial Average declined 1.1%, the S&P 500 plunged 1%, and the Nasdaq Composite Index fell 0.7%. Puneet, once again, very briefly, even though the story focuses on the three major indices going down by 1% and COVID-19 infections surging in the U.S., however, what is the consumer spending like in the U.S.? Because the economy depends upon roughly 65 to 70% of its growth on consumer spending. Is that brought back on track? Are we seeing the U.S. economy improve now, despite what's happening with their election situation? So the U.S. economy is in a very important stage, actually. So they're just ahead of the Christmas season, which is the biggest shopping season in U.S. It's an annual feast, and spenders really and shoppers really spend a lot of money. So I think it is important to see how this entire month up to the Christmas and a little beyond that, how does it go, and the U.S. consumers, how does it do? What usually the data that we've got now shows the U.S. economy is coming back. The shoppers are back in the malls, they're buying, they're spending money, and the kind of collapse in the U.S. economy that we had seen in the first quarter, that has been reversed to some extent. And my own expectation is that the U.S. economy will also do better than what had been earlier anticipated. And I'm sure that once the COVID fears recede and becomes more easily available, I think the story will change very significantly after that. आइए चलें सर्राफा बाजार. आमतौर पर श्रोताओं को हम तेल की खबर पहले देते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन है तो पहले सोने और चांदी की कीमतें बता देते हैं. आज सोने और चांदी की चमक तेज रही है. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का मूल्य 241 रुपए बढ़ा, 50,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी 161 रुपए उछलकर 62,542 रुपए प्रति किलो हो गई. उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य 1,880 डॉलर 90 सेंट प्रति आउंस के आसपास बना रहा. चांदी 24 डॉलर 50 सेंट प्रति आउंस के स्तर पर टिकी रही. पुनीत, सोना अब किस दिशा में जाता दिख रहा? यह त्योहारी खरीद है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना मजबूत होगा? और मनोज जी, देखिए, यूजुअली मैं ये कहूंगा कि सोने की कीमतें इस त्योहार के बैंक से कोई डिटरमिन नहीं होती. यूजुअली इस वक्त प्राइसेस स्टेबल हैं और मेरा उम्मीद है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले कहा कि डॉलर में थोड़ी सी कमजोरी रहेगी तो शायद गोल्ड थोड़ा प्राइसेस बढ़े, पर लार्जली अगेन इट विल रिमेन इन अ वेरी नैरो रेंज. Well, we don't have the figures of volume of gold and silver being bought, Puneet, but briefly, how do you see silver in the short term, very, very briefly? See, silver was doing very poorly vis-a-vis gold lately, but it has picked up. But I think that silver has reached its short-term peak. I don't see silver prices shooting up very significantly from here. And mostly, we will see money rotating from safe haven assets like silver to maybe other financial assets. We'll be heading for another short break, so please stay tuned. हम विराम नहीं लेंगे, हम तेल की खबरों को सीधे श्रोताओं को बताना चाहेंगे. Well, let's have a look at the oil prices in intraday trade. Brent crude prices were trading around $43 per barrel, while WTI crude prices were around $40.50 per barrel. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम पुनीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. धन्यवाद. बट भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए. अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे. वो तो ये बात है. हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए. बटे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जाने. Market Mantra brought to you by National Stock Exchange.